आपको हमने ज्यादा नॉलेज इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज. नहीं, टेक्निकल नॉलेज. यू आर अ जर्नलिस्ट, आपके ऊपर कोई भी सवाल अगर हम पिच करेंगे तो यू हैव दैट नॉलेज जो आप हर चीज को एक ग्रेस से जवाब दे सकते हैं. हम फंसते हैं, ठीक है. और एज अ क्रिकेट लवर मेरे सेंटिमेंट्स क्योंकि कैमरे के सामने निकले तो लोगों ने बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर लिया. और पिछली 4 घंटे की स्ट्रीमिंग में वो नहीं देखा जब 4 लोग अलग बात कर रहे थे, मैं अलग बात कर रहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह. और कैप्टन जो है उससे हमारी दर पीर उम्मीदें होती हैं कि वो ये नहीं बोल रहा कि बैटिंग पे मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. फिर मैं अभी बात करूंगा विराट कोहली की. अब 95 कल भी थे उसके, ठीक है. तो वो एक उन्होंने अपनी टीम को एक इम्बैलेंस करा दिया. हम भी यही, मैं ये बोलता हूँ कि मैं मेरा कैप्टन जब परफॉर्म करे तो मैं चौड़े में आके बोलूं कि भाई ये हमारा कैप्टन है, आओ खिलाओ, जिसको भी खिलाना. अच्छा, इसमें जो आपने बात की मैं बिल्कुल, मैं मुझे वैसे कहते हैं कि बाबर का बहुत बड़ा फैन है. इवन बाखरी ने कहा कि मैं आपकी जो है वो बॉबी कह रहा था, कहता बॉबी को मैं बताऊंगा कि हमारे पास एक बंदा है पूरा आपको डिफेंड कर रहा होता है. तो उसने वो पैगाम भी दिया हमारे रिपोर्टर जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर चेन्नई में, इंडिया में, इंडिया में इस वक्त हैं. मैं उसके बावजूद आज मैं ये कहूंगा कि जो गैर जिम्मेदाराना शॉट था ना बाबर का, वहां नहीं बनता था. नहीं, आपको फिनिश करके जाना था. आज आज आपके पास मौका था कि आज आपने फिनिश करना है शादाब के साथ, इफ्तिखार के साथ, जो भी आपके साथ, आपने रुकना. अच्छा, है और विकेट पे. और वही मौका होता है जब ये थोड़ा सा आगे निकलता है ना, फिर बाबर को रोकना मुश्किल होता है. फिर वो लंबी शॉट्स भी खेलता है, सब चीजें कर लेता है. ऑलराउंड 360 सिर्फ और सिर्फ वो 6 ओवर रह गए थे स्पिनर्स के, मुजीब के, राशिद के, नूर के, वो खत्म होते. उसके बाद आपके पास वही हलवा था जैसे फिर मारा शादाब ने छक्के मारे हैं. लेकिन आप ये देखिए ना कि तीसरी दफा हुआ है बाबर आजम जो है वो सर्कल के अंदर ही आउट हुआ है. और दूसरी चीज ये कि आप एक पैनल पे बैठे हुए हो, हमारे एक क्रिकेटर्स, चलो हम तो फिर सब बकौल सबके, हमें जुमा जुमा 8 दिन हुए, हमें एक क्रिकेटिंग मैन हमें पता ही नहीं है, जो 92 से लेके खेलते हुए आ रहे हैं, जो माइनर्स टाइकून है क्रिकेट के, अगर वो बैश कर रहे हैं तो ये आपका जो एंगर रेज है जो मुझ पे निकल रहा है वो तो आपका उनपे भी वाइस वर्सा निकलना चाहिए. बिल्कुल, वहां पर तो आपको पूरी आवाम को शटअप कॉल हो जाती है कि नो वन. ये वो बात है जो आप बात कर रहे थे डाइव की, जो रुक सकता था रोक नहीं पाए हम. नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा रहे आपने. और टेक्निकल चीज ये कि मैंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया यार, मैं आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आप मुझे गालियां दो, आप मुझे डांटो, आप मुझे तनकीद करो, बट मैं आई वॉज शॉक टू सी के लड़के, तो चलो हम लोग हैं लड़के, खुला खुला एक दूसरे को बैश करते थे, इतना फर्क नहीं पड़ता. मगर लड़कियां जो हैं वो माँ को, वाइफ को गालियां. अब अगर आप इतने बड़े कप्तान के फैन हो तो उसको कम से कम ग्रेसफुली डिफेंड तो करो, पढ़े लिखे तरीके से आप मुझे, आप मुझे गाली दे रहे हो, मेरी जात पे क्या फर्क पड़ रहा है. सही बात है, ठीक है. मुझे अभी करीम वाले ने बोला यार आप तो वो ना जो बाबर के लिए बोलते हैं, थैंक यू और आप तो मुझे क्या बात है भाई. ठीक है, मुझे आई एम हैप्पी विद द सक्सेस विच आई हैव. ये तो लोगों, ये तो मैंने जब पढ़ना शुरू करा सब लिख रहे हैं कि इसको व्यूज चाहिए थे. अरे मेरे पास तो है भाई, जितने हैं उसमें खुश हूं मैं. सही बात है. और मेरा ये ऑप्शनल काम है, जो मेरा कोर काम है दैट इज वाया माय स्टडीज. अच्छा, वैसे इसमें इतनी मेरा नहीं ख्याल है कि आप, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, जस्टिफिकेशन मैं ही दे रहा हूं. आप बहुत अच्छा पूरे मैच की, मैं बैठा था, हम लोग सबसे ज्यादा आप पहले बल्कि आए, ऐसा भी थोड़ा सा उसने लेट थे, मास भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि इस वक्त क्या चीजों की जरूरत थी वो कर रहे हैं. लेकिन ये बात तो की जा सकती